नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु यूट्यूब चैनल के और एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग RDP रैप के बारे में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। RDP रैप एक ओपन सोर्स फ्री टू यूज टूल है, जिसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर की रिसोर्स को मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं वाया RDP रिमोट डेस्कटॉप सिस्टम के द्वारा। तो चलिए इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं और चेक करते हैं ये कैसे काम करता है। नॉर्मली क्या होता है कि आप जब रिमोट डेस्कटॉप पब्लिश सिस्टम को यूज़ करते हैं या रिमोट डेस्कटॉप सर्विस को विंडोज़ की यूज़ करते हैं, तो सिंगल कंप्यूटर को आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। मल्टीपल यूज़र एट ए टाइम उस कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकते, ओनली सिंगल यूज़र उसमें अलाउ होता है। इसे अगर आप मल्टी यूज़र करने जाएंगे तो आपको जो है ना माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से RDP का कैल लाइसेंस लेना पड़ता है, और उसी की अल्टरनेटिव वे में आज हम लोग RDP रैप को यूज़ करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग एक सिंगल कंप्यूटर में मल्टीपल रिमोट डेस्कटॉप सेशन कर सकते हैं और एक सिंगल कंप्यूटर के रिसोर्स को मल्टीपल यूज़र्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो RDP रैप के लिए आप गीताप के अंदर आएंगे। गीताप में आपको RDP रैप बोल के एक प्रोजेक्ट मिलेगा, जिस प्रोजेक्ट फाइल को आपको डाउनलोड करना है। प्रोजेक्ट फाइल मेरा सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। अब इसे हम लोग अभी डेस्कटॉप के अंदर रखेंगे और यहाँ पर हम लोग इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि मल्टीपल यहाँ पर जो है फाइल्स यहाँ पर आपके पास आ चुका है, जिसके अंदर कन्फिग चेक है, इंस्टॉल्ड है, ऑटो अपलोड है। इसके अंदर आपको install.bat फाइल जो है इसे रन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, तो ऑटोमेटिकली ये आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा। इसे रन करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि सक्सेसफुली ये सारे सर्विसेज यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो चुका है। यहाँ पर आ रहा है कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यहाँ पर प्रेस एनी की करेंगे, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब इंस्टॉलेशन चेक करने के लिए यहाँ पर RDP चेक एंड RDP कॉन्फ़िग बोल के दो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, दो एप्लीकेशन आ रहे हैं। यहाँ पर RDP कॉन्फ़िग को हम लोग रन करेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि RDP रैपर स्टेटस इंस्टॉल्ड है, सर्विस स्टेट रनिंग है, लिस्टनर स्टेट रनिंग है, और RDP का पोर्ट आ रहा है। डिफ़ॉल्ट पोर्ट 3389 होता है, जो मैंने ऑलरेडी चेंज करके रखा है 3333 में। यहाँ पर अलाउ कस्टम प्रोग्राम भी आप एनेबल कर सकते हैं, सिंगल यूज़र पर सेशन को एनेबल रहेगा, नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन और फुल यूज़र एक्सेस परमिशन एनेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये नॉट सपोर्टेड आ रहा है, मतलब ये RDP रैपर स्टार्ट तो हो गया लेकिन इसमें सपोर्टेड नहीं आ रहा है। तो इसे सपोर्टेड करने के लिए कुछ स्टेप्स हम लोगों को करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग जो RDP रैपर का ये जो फाइल है इसे हम लोग कॉपी करेंगे और कंप्यूटर की सी ड्राइव के अंदर आएंगे। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आएंगे। प्रोग्राम फाइल्स में आप देखेंगे कि RDP रैपर बोल के ऑलरेडी एक फोल्डर बन चुका है, जिसके अंदर हम लोग इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि rdprap.ini बोल के एक फाइल है, जिस फाइल को आपको यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग अगेन गीताब के अंदर आएंगे। RDP रैपर गीताब प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद हम लोग यहाँ पर ओरिजिनल RDP रैपर कैन बी फाउंड क्लिक हियर, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, नेक्स्ट टैब में इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम लोग नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लेटेस्ट INI फाइल यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। इस लेटेस्ट INI फाइल को हम लोग लोड करेंगे यहाँ पर, और ये लेटेस्ट आपका INI फाइल है, जिसे हम लोग यहाँ पर से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अगेन हम लोग INI वाला फाइल के अंदर आएंगे, इसे हम लोग एडिट करेंगे और इसे पेस्ट करके सेव करेंगे रिप्लेस करने के बाद। अब अगेन हम लोग RDP कॉन्फ़िग चेक को ओपन करेंगे। अभी हम लोग RDP कॉन्फ़िग को चेक करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है फुल सपोर्टेड, तो फुल्ली सपोर्टेड है। अभी हम लोग मल्टीपल यूज़र क्रिएट करेंगे और मल्टीपल यूज़र से सेशन करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेमो यूज़र क्रिएट करेंगे, डेमो वन। तीन यूज़र हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किए, डेमो 1, 2, 3। अब हम लोग रिमोट डेस्कटॉप जहाँ से एनेबल करते हैं उसके लिए हम लोग सेटिंग पे आएंगे, एडवांस सिस्टम सेटिंग पे के अंदर आएंगे, जिसके अंदर रिमोट सेशन में हम लोग आएंगे, जो ऑलरेडी रिमोट डेस्कटॉप अलाउ किया हुआ है। यहाँ पर सिलेक्टेड यूज़र में आएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑलरेडी मेंबर होता है। मैं यहाँ पर मेरे जो डेमो यूज़र है वो सारी यूज़र्स को मैं यहाँ पर एनेबल करना चाहता हूँ।
मेरा तीनों डेमो यूज़र को यहाँ पर मैंने इनेबल कर दिया आरडीपी के लिए। अभी हम लोग इस कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल आरडीपी सेशन करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा तीन यूज़र यहाँ पर क्रिएटेड है। अब मैं आरडीपी चेक को एक बार आरडीपी चेक से एक बार चेक करूँगा। आरडीपी चेक में आप देख पा रहे हैं कि तीन यूज़र यहाँ पर दिख रहा है। मैं पहला यूज़र से एक बार लॉगिन करने का कोशिश करूँगा। अभी मैं एडमिन यूज़र से ऑलरेडी लॉगिन हूँ और डेमो वन से एक बार लॉगिन करने का कोशिश करूँगा। सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। तो ये मल्टीपल आरडीपी सेशन अभी काम कर रहा है। तो अभी हम लोग एक बार पर्टिकुलर रिमोट डेस्कटॉप पे एक बार चेक करेंगे। रिमोट डेस्कटॉप पे डेमो वन पे एक बार हम लोग लॉगिन करेंगे। अब देख पा रहे हैं ये डेमो वन मेरा यूज़र है, ये मेरा डेमो टू यूज़र है और ये मेरा डेमो थ्री यूज़र है। तीनों यूज़र एट ए टाइम सेम कंप्यूटर में रिमोट डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आरडीपी रैपर के ज़रिए आप रिमोट डेस्कटॉप मल्टीपल सेशन को अलाउ कर सकते हैं और एक सिंगल हाई वॉल्यूम कंप्यूटर को आप मल्टीपल यूज़र सेशन के ज़रिए उसकी रिसोर्स को आप यूटिलाइज़ करा सकते हैं मल्टीपल यूज़र के द्वारा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।